तो सुबह का ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं अभी, हम उठ गए और बाहर में क्या बारिश हो रहा है। और बारिश एक्चुअली फॉग के साथ मिक्स होके नया ही स्टेट ऑफ मैटर्स फॉर्म कर चुका है। कुछ अलग ही है। ये देखिए मेरा गाड़ी नीचे पार्क्ड है, रेड वाला। दिस वाज आवर रूम वेयर वी स्टेड टुनाइट, एंड एज यू कैन सी द व्यू फ्रॉम दिस बिग विंडो, इट्स नॉट ऑन ए हिल स्लोप, सो बट या द प्रॉपर्टी लुक्स सरीन। I'll just show you around this place a bit. So, yeah. Tommy! He was so scared of me yesterday. He was not coming near to me, but today I saw him sleeping in the couch outside my room. So let's go out a bit. It's raining a bit. Look at this forest. So all these are coffee bushes. So the area is very famous for coffee plantations. Most of the hill stations I visited till now had tea plantations. It's the first time I'm getting to a place which has coffee plantations. This is so good, guys. Makes me so happy to be here. आप जो मूवीज के का विजुअल्स देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल क्या था वो हॉरर मूवी राज, देन एनी ऑफ द कैबिन इन द वुड्स मूवीज फ्रॉम हॉलीवुड, बैकग्राउंड इसी टाइप का रहेगा। और चारों ओर ना कॉफी प्लांटेशन, अगेन जस्ट लाइक आई सेड, कॉफी प्लांटेशन तो आसपास होगा, ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। सो दैट्स आवर होम स्टे, शक्ति होम स्टे। वी स्टेड एट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द मेन बिल्डिंग। We had also asked for a tent last night. They said they can provide a tent, but the thing is, it was a bit rainy, and I don't think they have a lot of experience in. I don't know. That's my assumption. And what I felt is the property is built in such a way, it makes more sense to stay in the guest houses. So just outside the homestay that we stayed in last night, there is this small village. I won't say a square, it's a village triangle sort of thing. A couple of shops here and there. That's a shop that I can see is open. And there's this one road which rises up to a steep hill. I mean, it feels a bit scary to drive here. Car up this road. You can just stay here and be happy. What to do in life? You have everything. You're able to eat, you're able to maybe grow your own food, and even if you don't grow, someone who is a farmer here would be growing his crop, and you'd be able to see him do this fresh thing each and every day. So it's okay. I mean, his farm is also your farm, so it's like a fresh produce. The air is so cool and fresh. The air is so cold and fresh.
ये अपने शक्ति गेस्ट हाउस से जस्ट 200-300 मीटर दूरी पे है। आपको क्या बताया, आप देख पा रहे हो मैं बिल्कुल वाटरफॉल्स के बीच में से अभी अभी गया था, अभी पटका था, मुझे बच गया बाल बाल। क्या चाहिए यो? तो इस वाटरफॉल पे तो अच्छा खासा कुछ टाइम स्पेंड कर लिया। सो आई वॉज सिटिंग राइट एट दैट प्लेस, यू वुड हैव सीन राइट, लीच कुछ ना लग जाए क्योंकि कल एक लीच ने मेरा 100 ml ब्लड निकाल लिया। आज अभी कबीर को भी एक लीच ने पकड़ा था, बट समहाउ बाइट करते ही उसको पता चल गया तो उसने हटा दिया। देखिए जिसका मैं डर था बोल रहा था, देखो कैसा करके मेरे इसमें लगा हुआ है, कोई पेन भी आपको फील नहीं होगा, ये चुपचाप अपने एंड से काम करता रहेगा। बापरे बढ़िया, इसमें लिखता हूँ कुछ है क्या, पूरा उसी जगह पे आके चुपता है ये, जो कल मेरा थम के नीचे वो जो डार्क दिख रहा है ना, तो वहाँ पे काटा था। देखो इसने भी ब्लड सक करना स्टार्ट कर ही दिया था, देखा यहाँ भी लगा है, कौन से काटा था मेरा। ये देखो अंदर में ब्लड, और देखो और एक लीची है। हाँ ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, हाँ सो दैट इज आल्सो ए लीच। आई एम नॉट श्योर वेदर दैट्स ए लीच, बट आपको दिखाता हूँ मैं। मतलब आपको पूरा पत्थर जैसा लगेगा, सो या ये जो आप देख रहे हो लीचेस का आतंक ही अलग है यहाँ पे। मैं तो चप्पल में सोचा ही था कि लीच तो लगेगा ही, पहले थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद आराम से पैर निकाला, देखा एक लीच तो खा रहा है, उसने स्टार्ट कर दिया था मेरा राइट थंब से, फिर वो हटाया, उसके बाद रोड पे आने के बाद चप्पल में कुछ पत्थर फील हो रहा था, फिर से खोल के देखा अंदर में और 2 लीच। क्या सीन है, यहाँ पे अगर कैंपिंग करने के लिए टेंट में स्टे कर रहे हैं ना कोई, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। So finally checking out of Shakti Guest House. आज गिटार का वीडियो नहीं बना इस बार, anyway, कितना डरता रहूँगा। मिलते हैं आगे। So we are at the zip lining site. I'm still scared. I mean, I don't know whether I'll do or not. So we will go first. If he gives me a good feedback that it's safe enough, then I'll ride. Yeah. मैं भी जा रहा हूँ। डर लग रहा कि आपने देखा, अभी हमने जिप लाइनिंग भी किया पूरा फ्रेश एकदम। मैं जब रिटर्न आ रहा था ना जिप लाइन पे, तो इतना हैवी बारिश स्टार्ट हो गया, पूरा भीग गया। बढ़िया व्यूज तो आप भी देख ही पा रहे हो, क्या व्यूज है। तो अभी हम लोग वाटरफॉल देखने के लिए और आगे जा रहे हैं, सीन्स लाइक ए मैन मेड वाटरफॉल। ठीक है, आगे जाके देखते हैं। So we are having masala maggi with double X.
धारी वाटरफॉल जाने का एंट्री गेट है, और यहाँ पे आपको जो जीप दिख रहा है ना, इन्हीं जीप को रेंट करके नीचे तक जाना पड़ेगा। एक ट्रिप में हाफ एन आवर लगता है, और पर जीप इट कॉस्ट 700 bucks। हम लोग क्योंकि दो लोग हैं, वेट कर रहे हैं कि और कोई दो बंदा आ जाए, नेक बंदा जिस जो हम लोगों के साथ शेयर कर ले। गॉट ए कपल ऑफ समैरिटन्स, सो व्हाट दे आर डूइंग इज वी आर नॉट कैरिंग एनी कैश, even if we don't get network we will share his number once we get network. So, निकल रहे, सुना है रास्ता बहुत ही भयानक है यहाँ पे, इसीलिए जीप से जाना पड़ता है। जारी फॉल्स आ गए हैं, यहाँ पे ही सारे जीप दिखते हैं, हमारा जीप भी पीछे ही रुका हुआ है, आगे जाके देखते हैं कैसा है। जस्ट थोड़ी देर पहले देयर वाज दिस गर्ल हू जस्ट फेल डाउन एंड शी हिट द ग्राउंड अराउंड हर। वाव, फर्स्ट ग्लिम्सेस ऑफ द वाटरफॉल। वाव, This is different. This is what? Wow! This is probably the largest waterfall that I have come across. Hi, stop photo. अभी निकलते हैं पानी में जारी waterfall के. बहुत मजा आ रहा है. And this is probably the largest waterfall that I have seen in my life. इतना ना बनता है. दादा कैसा लगा? बाप रे बाप, 0 degree का पानी रहेगा, ऊपर से जब गिरता है ना लग रहा है कि पत्थर गिर रहा है पूरा, मतलब डरा देता है, इतना ठंडा है। This is beside that waterfall, there is a small tavern where you can have basically some small snacks, Maggie, bread on the biscuits. So now returning back to where I had parked my car. And there is one more site called Datta Peeth, right? So we Datta Peeth mein jayenge, fir uske baad back on our way to Bangalore. तो हो गए, हम लोग आ गए हैं जारी फॉल्स से, मैंने नहा भी लिया, अभी जाते हैं गाड़ी के थ्रू दत्ता पीठ के लिए। देयर इज अ टेंपल एंड अनदर व्यू पॉइंट अराउंड 6-7 kilometers फ्रॉम जारी वाटरफॉल, वी गो देयर एंड देन फ्रॉम देयर वी विल रिटर्न डायरेक्टली टू बैंगलोर। सो दैट विल प्रोबेबली क्लोज आवर चिकमगलूर फर्स्ट ट्रिप विथ मेमोरीज फॉर देयर must have to come back to this place. Yeah, that's the promise I'll make before leaving this place. Actually cold and I have a half pack. Under. सब मजार। ओके, सैंडल्स मैंने यहाँ पे रख दिया, और इतना ठंडा हो रखा है ना, ठंडे में ही जाएंगे। पूरा शिवर कर रहे यार। पीठ पे हम लोग पहुंच गए, बट यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है,
सो अंदर से आ गया। सो दिस वॉज दत्तात्रेय पीठ। सो ये ना एक अंडरग्राउंड केव है और उसके अंदर एक साइड में, मतलब मैं इस साइड में बोलूँ, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड व्हेन यू आर कमिंग आउट, सो राइट हैंड साइड व्हेन यू आर कमिंग इन, सो दैट वे देयर इज अ मज़ार, बाबूदन बोल के रहता बाबूदन मज़ार, और राइट साइड में एक टेम्पल से, और मज़ार के साइड में ना कुछ टोम्स भी है। जैसा मैं बता रहा था ना, यहाँ पे पूरा टेरेस टाइप का कुछ बना हुआ है और हर एक टेरेस पे टोम्स है। तो किसी ज़माने का कब्रिस्तान हुआ करता होगा ये। चलते हैं गाइस, ऑलमोस्ट इवनिंग को होने को है। अभी और ज़्यादा वीडियोस तो नहीं बनाऊंगा, बहुत वीडियोस हो गए हैं। बढ़िया, फिर से यहाँ पे आना तो है ही, अभी ना कभी तो आएंगे ही। प्लीज़ कंटेंट अच्छा आता रहेगा, क्योंकि अभी जस्ट शुरू किया है, अभी जस्ट सही से कैसे क्या कुछ से एक्सप्लोर करना रहता है और क्या दिखाना रहता है, अभी थोड़ा समझ में आ रहा है। आप लोग इंटरेक्ट करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तो अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे भी तो घूमेंगे ही हम। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट टूर, होप सी यू सून, दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट, दैट्स माय ओनली एक्सपेक्टेशन। बाय।